हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल चावलास किचन। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। फ्रेंड्स, पाव भाजी एक ऐसी डिश है जो पूरे इंडिया में फेमस है और इसे खाने में हम सबको बड़ा मजा आता है, क्योंकि पाव भाजी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। इसमें कई प्रकार की सब्जियां भी डलती हैं। तो चलिए आज देखते हैं घर पर बिना कोई आर्टिफिशियल कलर के टेस्टी पाव भाजी हम कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम कुछ सब्जियां बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने लिया है आलू, मटर, बीटरूट, और ये आधा बीटरूट लिया है। बीटरूट से हमारे पाव भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये सब अब सब्जियां हम कुकर में डाल रहे हैं बॉईल करने के लिए। इसके अलावा हमने और चीजें ली हैं, फूलगोभी, एक शिमला मिर्च, गाजर और ये बंद गोभी। ये भी सब हम कुकर में डाल लेते हैं बॉईल करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी सब्जियां पड़ रही हैं पाव भाजी में। उसके बाद हम कुकर में पानी डालेंगे। हमें पानी उतना ही डालना है जितनी हमारी सब्जियों की लेवल है। आप देख जाते हैं। इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर से इसको हम तेल का सेपरेट होने तक करीबन 5 से 10 मिनट तक हम लोग रख देंगे। हमने जो सब्जियां कुकर में बॉईल की थी उसमें आधा बीट निकाल लिया था जो हम सलाद में यूज करेंगे। फिर बाकी सब्जियों को अच्छी तरह से मैश करके इस बाउल में डाल दिया है। आप देख सकते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के सब्जियों का रंग कितना लाल हो गया है, जिससे हमारी पाव भाजी का रंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब पैन में ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें अब हम एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको भी मिक्स करते करते आप देखेंगे कि इसमें से भी जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगेगा। अब इसमें हमने जो सब्जियां मैश करके रखी थी वो हम डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक प्याज और टमाटर का मिक्सचर सब्जियों में अच्छी तरह से मिल जाता है। जैसे इसमें एक दो बॉयल आता है हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम तवे पर पाव सेकेंगे। उसके लिए एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। फिर उसमें कुछ हरे धनिया की पत्तियां डालकर मिक्स करेंगे। फिर उसके ऊपर हम पाव डालकर ऊपर और नीचे से पाव को अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमें पाव को इस तरह से सेकना है। आप चाहे तो इसमें ज्यादा बटर भी डाल सकते हैं, बट हमें थोड़ा कम बटर पसंद है इसके लिए हमने इतना ही डाला है। हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी अब तैयार है। आप देख सकते हैं बिना कोई सिंथेटिक कलर डाले बिना हमारे पाव भाजी का कलर कितना लाल आया है। इसके ऊपर हम कुछ हरे धनिया की पत्तियां डालेंगे और थोड़ा बटर डाल देंगे। आप भी ऐसी पाव भाजी घर पर जरूर बनाए और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।